हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टेस्टी रेसिपी में। आज टेस्टी रेसिपी में बनने जा रहा है आलू मटर की तरी वाली सब्ज़ी। एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। ये मैं एक कटोरी मटर ले ली हूँ, अच्छे से साफ़ कर ली हूँ। ये मैं चार मीडियम साइज़ के आलू ले ली हूँ, इसको भी अच्छे साफ़ करके कट कर लिया। और ये एक प्याज मैंने कट कर लिया, दो हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया पत्ती ले ली हूँ। ये मैं एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, ये आधा चम्मच गरम मसाला ले ली हूँ, और ये थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, ये एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, ये थोड़ा सा कसूरी मेथी ले ली हूँ। अब मैं कढ़ाई रख दी हूँ। दो बड़े टेबल स्पून सरसों का तेल ले ली हूँ। अब हम पहले आलू को फ्राई कर लेंगे। सारे आलू मैं इसी में डाल दे रही हूँ। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब मैं इसे निकाल ले रही हूँ। ये जब अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो तेल बिल्कुल भी नहीं एब्जॉर्ब करेगा, सारा तेल जितना डाले थे उतना ही बचा है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी सब्जी बनता है, एक बार ज़रूर बनाइएगा। अब मैं इसी तेल में तड़के के लिए थोड़ा सा जीरा डाल दी हूँ, एक तेज पत्ता, ये थोड़ी सी हींग डाल दे रही हूँ, और कटा हुआ प्याज, इसे अच्छे से भून लेंगे। और ये जो दो हरी मिर्च थी उसे भी मैंने कट करके डाल दिया है। इसे अच्छे से ब्राउन होने तक पकाएंगे, भूनेंगे प्याज को। देखिए अच्छे से भुन गया है। अब मैं यहाँ हल्दी पाउडर पहले डाल रही हूँ और कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा आता है सब्जी का, तो इसे पहले डाल के 1 सेकंड के लिए भून ली हूँ। फिर मैं सारे मसाले को ऐड कर दी हूँ इसमें, और थोड़ा सा पानी डाली हूँ ताकि मसाले जले ना। और इसे लो फ्लेम पे ही मसाले को भुनेंगे। ये मैं टमाटर भी अभी डाल दे रही हूँ। और इसी स्टेज पे नमक भी डाल दीजिएगा, ये मैं स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। और टमाटर पहले डालने से होता है कि मसाले और टमाटर एक ही साथ में पक जाते हैं, और टाइम भी बच जाता है, और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, बहुत ही टेस्टी। ये पूड़ी से खाओ या पराठे से, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनता है। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ये मैं आलू डाल दी हूँ और ये मटर अंकुरित हो गया है देखिए, और अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए सब अच्छे से भुना गया है। अब हम इसी स्टेज पे पानी ऐड कर देंगे। ये देखिए आप जितना ग्रेवी रखना चाहते हो उतना पानी ऐड कर दीजिएगा। हम थोड़ा तरी वाला हम लोग को पसंद है, तो हम तरी वाला ही बनाते हैं। ये देखिए एकदम सब्जी मेरा पक गया है,
बहुत ही अच्छा कलर आया है इस सब्जी का, टेस्ट तो लाजवाब है। और एक बार मेरी तरीके से ज़रूर बनाइए सब्जी, और कमेंट में भी बताइएगा कि कैसा बना है। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिए अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो।